वो आपस में एक दूसरे को जोड़ने और एक दूसरे की भावनाओं को एक साथ लाने के लिए किए जाते हैं। श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में आदर्श विचार लाने का प्रयास करते हैं। उन लीलाओं का ज्वलंत उदाहरण आज मैंने अपने विद्यालय में देखा। मुश्किल से बच्चे नाश्ता और खाना कर पा रहे थे, बहुत उन्हें शीघ्रता थी यहाँ आने की और हम सभी ने एंजॉय किया। थोड़ा समय हमारा ज़्यादा चला गया है ना। आप सभी सोचने का प्रयास करें बेटा कि आपके सभी शिक्षक सुबह से लेकर के आपके साथ यहाँ रहते हैं और अभी कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले हैं, बाद में आपके साथ डिनर में भी लोग रहते हैं। समय का हमको ध्यान रखना चाहिए। आपका अतिरिक्त उत्साह जो है वो काबिले तारीफ है। यहाँ मटके फोड़ प्रतियोगिता हो रही है और साथ ही साथ एक कल्चरल प्रोग्राम आपका और भी चल रहा था, आप सभी ने उसको देखा भी होगा, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, हम सभी ने एंजॉय किया। और ये कार्यक्रम मैंने पहली बार किया था, मैं बार बार आप लोगों से कह रही थी कार्यक्रम कैसा होता है। देखो बाहर से थोड़ा दूर लग रहा था मुझे, थोड़ा सा कठिनाई भरा हुआ लग था और बहुत से लोगों ने बहुत ही आसानी से उस कठिनाई भरे मार्गों को पा लिया है। और अंत में पुनः आप सभी का मैं समय न लेते हुए पुनः आप लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ और अच्छी तरह से आप आज का दिन एंजॉय करेंगे और कल विद्यालय अपने समय पर फिर से आरंभ होगा। और आज की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उससे मेरा अनुरोध है कि जो भी मटकी का कचरा है उस सभी को आप साफ कर देंगे, क्योंकि सवेरे संजय हमारे पास में रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि हर बार ये मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है और उसकी सफाई करना हम लोग के लिए बहुत कठिन काम होता है। तो आप सबकी संख्या जो है वो बहुतायत में है और कृपया आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस मैदान को आप लोग साफ करेंगे। धन्यवाद।